हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। मैं अन्नू और आपका अन्नू मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी साबूदाना की मोतियों जैसी एकदम खिली खिली खिचड़ी। इस खिचड़ी को आप नवरात्रि व्रत में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। और ये खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप हफ्ते में इसे दो बार बनाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में एक कप साबूदाना डाल देंगे। अब हम साबूदाना को पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करना है ताकि जितना भी इसके अंदर स्टार्च होता है पाउडरी जैसा, वो सारा निकल जाना चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी 2 से 3 बार। साबूदाना को हल्के हाथों से वॉश करेंगे, इसको तेज़ी से रगड़ेंगे नहीं। तो साबूदाना को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस कप से हमने साबूदाना लिया था उसी कप से हम एक कप पानी डाल देंगे इसके अंदर। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी उतना ही डालेंगे जितने में साबूदाना डूब जाए। तो आप देख सकते हो साबूदाना डूब गया है इसके अंदर, मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे 3 से 4 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो 3 घंटे हो गए हैं साबूदान को भीगे हुए, आप देख सकते हो ये फूल कर डबल हो गए हैं। आप देख सकते हो एक एक दाना खिला है इसका। अब हम क्या करेंगे, गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल भी डाल सकते हो, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो खिचड़ी तो घी का ही इस्तेमाल करिएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1/2 कप कच्ची मूंगफली डाल दूँगी और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे क्रंची होने तक। जब हम साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं तो जब मुंह में ये मूंगफली के दाने जाते हैं तो ये क्रंची और क्रिस्पी लगते हैं, खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो इसमें आवाज़ आना शुरू हो गई है और मूंगफली भुनना स्टार्ट हो गया है। मूंगफली को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 2 से 3 सेकेंड ही लगते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे तो हम इनको हल्का सा क्रिस्पी क्रंची होने तक भून लेंगे। तो आप देख सकते हो मूँगफली जो है भून गई है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी घी में आलू को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने एक आलू लिया है, ये कच्चा आलू है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। आलू को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और अंदर से सॉफ्ट अच्छे से हो जाने चाहिए, पक जाना चाहिए अंदर से। तो हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप इसमें उबला हुआ भी आलू डाल सकते हो, मैंने ये कच्चा आलू लिया है तो हमें इसको अच्छे से पका लेना है। तो आप देख सकते हो आलू जो है पक चुके हैं, आपको इसके ऊपर हल्की सी रेड रेड जैसी परत दिख रही होगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि आलू अंदर से पका है या नहीं। तो ये मैं आपको दबा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए आलू पक चुका है, आलू दबाते ही फूट गया है। अब हम आलू को निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, इनको हम भून लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार और इसको सॉफ्ट होने तक अच्छे से भूनेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अगर आप व्रत में ये खिचड़ी बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च और टमाटर मत डालिएगा, जो भी आप चीज़ें नहीं खाते हैं वो इसमें मत डालिएगा, और आप जो व्रत में खाते हैं चीज़ें वही इसमें डालिएगा। नमक मैंने सादा डाला है जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ सब्ज़ी में। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें व्रत वाला नमक डालिएगा, सेंधा नमक।
इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ये अच्छे से गल गए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें साबूदाना, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें मूंगफली और आलू जो हमने फ्राई किए थे, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 नींबू, नींबू के बीज को मैंने निकाल दिया है, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो खिचड़ी बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकी नहीं है, एक एक दाना इसका खिला हुआ बना है, ये देखिए। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये खिचड़ी रेडी हो गई है प्लेट में सर्व करने के लिए। आपको खिचड़ी का एक एक दाना खिला खिला दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, अगर आप इसमें और नींबू डालकर खाना चाहें तो इसमें खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।